पूरे देश सहित महाराष्ट्र के व्यापारियों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है। इससे इन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। आज कोरोना लॉकडाउन के बाद व्यापारियों में क्या सोच है और कैसा उनका व्यापार है, इन सवालों के जवाब हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ है नागपुर वाडी स्थित दीपा इंटरप्राइजेस के संचालक नितिन कोलते। तो आइए जानते हैं इनसे कि आज कोरोना के बाद क्या स्थिति है इनके व्यापार की। कोविड के बाद व्यापार में अभी क्या तेजी आई या मंदी आई या क्या वर्तमान स्थिति है? कोविड के बाद तो सर काफ़ी समय से ऐसा रहा है कि मंदी के दौर ही चलते रहे, क्योंकि कहीं मतलब इंडस्ट्री लेवल में तो जैसे कहीं प्रोजेक्ट नए थे वो सारे थम गए थे, कहीं प्रोजेक्ट नागपुर में प्रोजेक्ट नए आए भी नहीं थे। इस वजह से हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट का है वो काफ़ी डप हो गया था। हाँ, जो कोरोना के वक्त जो था उस वक्त काफ़ी उछाल आया था, उस वक्त ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी हुई थी, बट हमने उस दिशा में ना जाते हुए डायरेक्ट डॉक्टरों से बात किए, उन्हें जो जो हमारे पास अवेलेबल था, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मास्क, रबर हैंड ग्लव्स, गॉगल्स वगैरह, जो जिस रेट में मतलब कम से कम रेट में सही से सही हाथों में जाए ऐसा हमने प्रयास किया था कोविड के वक्त। रॉ मटेरियल की अभी क्या स्थिति है? रॉ मटेरियल तो अभी सर देखिए शूज़ के, ग्लव्स के दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने दो महीने बाद कंपनियां हमें कह रही है कि आपका 30 रुपये से 35 रुपये इंक्रीज हो ही रहा है, और जैसा चलते रॉ चल रहा है जिस वजह से, तो उस वजह से तो और दिन पे दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। जीएसटी का कुछ तकलीफ हुई आपको? जीएसटी का तो अभी जो जैसा ये बढ़ गया है सर 5% से 12% हो गया है, तो ये समझ लिए कि एक लागत ही बढ़ गई है। चलो कंपनी में सेल कर रहे हैं तो उसमें उतना ये नहीं होता, लेकिन जहां हम छोटे व्यापारियों पे जाते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, फिर भी जीएसटी का बिल तो हमारा फटता ही है, तो उन पे वहाँ पर रेट इंक्रीज हो गए तो वो बोलते कि हम कैसा करें। अभी आपका इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन मतलब क्या स्थिति है प्रोडक्शन? सर प्रोडक्शन तो हमारा अभी सही चल रहा है, ग्लव्स के भी, शूज़ के भी, और ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई। हाँ, अभी कोविड के वजह से काफ़ी वर्करों के प्रॉब्लम हुए थे। शासन से आपके क्या बांध रहेगी एसोसिएशन के बारे में? शासन से मेरी यही मांग रहेगी कि थोड़ा रॉ मटेरियल या वगैरह जो भी, जैसे ये रेट बढ़ रहे दिन पे दिन, वो रेट के ऊपर थोड़ा सा शासन इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये बोला जाए तो बेसिकली छोटे लोगों की पेट पे लात है। आपका माल कहाँ का सप्लाई होता है? मेरा माल ये इंडस्ट्रियल सप्लाई होता है रायपुर, छत्तीसगढ़, विदर्भ में हर जगह। सर बात की जाए दीपा इंटरप्राइजेस सेफ्टी वर्क्स की, तो क्या क्या आज अपनी कंपनी में बनाया जाता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट और क्या क्या क्वालिटी के साथ बनाया जाता है? सर हमारे कंपनी में अभी बनाए जाते हैं ग्लव्स, बनाए जाते हैं शूज़, बनाए जाते हैं शूज़ जो बनाए जाते हैं बेसिकली कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है उस बेस पे बनाया जाता है। इसमें टेस्टिंग वगैरह जैसा अभी फ़िलहाल जस्ट सोलार का ऑर्डर हमें आया हुआ है, तो उसमें शूज़ जो उनके जो बेसिक जो चाहिए था उनको कंडक्टिव जैसा चाहिए था उस हिसाब से हम कस्टमर्स वाइज उनको शूज़ बना के देते हैं। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन लगता है किसी भी कारण से या कोरोना के नए वेरिएंट के कारण से, तो क्या स्थिति होगी आपके व्यापार? अगर ऐसा होता है तो सर दुकानदारी बंद करने की स्थिति समझ सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है। किसी कंपनी को आपसे कांटेक्ट करना हो, आप सेफ्टी शूज के लिए या ग्लव्स के लिए, तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर ये हमारी वेबसाइट भी है और आप इंडिया मार्ट के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेस्ट सेलर सेफ्टी इक्विपमेंट नागपुर, तो हमारा डिटेल आ जाएगा दीपा इंटरप्राइजेस सेफ्टी वर्क के नाम से। और ये नागपुर में सबसे पुराना बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारा जो कोलते हैं तो ये लगभग 29 ईयर हो गया नागपुर में।